हरित मैसला जी, अब चुनाव चल रहा है जी, पलवल से आप कैंडिडेट हो जी, पार्टी की और हरित मैसला की क्या पॉलिसीज हैं हरियाणा को लेकर के, पलवल को लेकर के? पलवल की बात तो आप करोगे, पार्टी की बात पार्टी वाले लोग, पलवल का ही पूछ लूँ। बिल्कुल, क्या सोच है पलवल को लेकर के, क्या आप किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हो कि भाई मुझे ये करना चाहिए जी, अगर मौका मिल गया तो भी और नहीं मिला तो भी? बिल्कुल, हाँ, इनसे पूछो, मैं भाजपा के लोगों से आज फिर पूछना चाहता हूँ कि वो पलवल की यूनिवर्सिटी किस तरह से, वो दूधौला में यूनिवर्सिटी है और पृथला विधानसभा में दूसरा, उस यूनिवर्सिटी को तुमने खोल दिया लेकिन वहाँ के गरीब बच्चे को तुम 1,00,000 रुपए की फीस बीटेक की वसूल रहे हो, तुम 50-60,000 रुपए छोटे छोटे डिप्लोमा की फीस ले रहे हो, किस बात की सरकारी यूनिवर्सिटी है ये? गरीब, आपने पंचायत में पहले भी कहा था, पंचायत ने अपनी जमीन दे दी सस्ते रेटों पर, आपने जमीन ले ली, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और गरीब बच्चे से आप पैसा लूट रहे हो दुनिया भर का, क्या जरूरत है सरकारी यूनिवर्सिटी की? मैं तो कहता हूँ बंद कर देनी चाहिए इस तरह की यूनिवर्सिटी, आज वो उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ेंगे, फोन तक नहीं उठाए जा रहे। तो आज काम आएगा आपका बच्चा या आपके काम आएगा, हमें तो समाज की लड़ाई आगे तक लड़नी है चाहे चुनाव के परिणाम कोई भी हो। आपने गौरव गौतम की बात करी, ठीक है, भाजपा ने उनको प्रत्याशी बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आज पूरी पलवल की जनता से कि गौरव गौतम ने आज तक पलवल के किसी भी मुद्दे के लिए कोई आवाज उठाई है? मान लिया कि वो सरकार में थे, मान लिया वो पार्टी में थे, लेकिन उस समय पे जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो माए बहने बरामदों में बिना ऑपरेशन के बिलखती और रो रही थी, क्या उनको पता नहीं था? सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पता लगता था कि सिविल हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? क्या न्यूज के माध्यम से उनको नहीं पता था कि एक टीवी के मरीज के व्यक्ति को दवा नहीं मिल रही, वो रो रहा है लाइन में लग के? क्या उनको नहीं पता था पलवल के 6 कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पे जुड़ रहे, सारे न्यूज वाले चला रहे, उनको हर बात का नहीं पता था? हम तो तब मानते जब उस समय सरकार, जब सरकार में थे सत्ता में थे, तो उस समय पर वो कहते कि पलवल के अंदर स्टाफ आना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर आने चाहिए, पूरी मेडिसिन मिलनी चाहिए, सीएचसी पीएचसी में पूरे स्टाफ होने चाहिए। कहीं भी एक भी फेसबुक की पोस्ट मुझे दिखा दो या कहीं भी उनका एक या डीसी से मिले हो या कहीं मंत्री से मिले हो पलवल के, उन्होंने कोई डिमांड रखी हो, यदि ऐसा कहीं मुझे आप दिखा दोगे तो मैं चुनाव की कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं मीडिया के सामने। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव इस समय अपने पूरे शबाब पर है। देश रोजाना ने एक मुहिम चलाई है कि अपनी चौपाल लेकर के और प्रत्याशियों और आम जनता के बीच जाएं। हम बताएंगे मतदाता का मूड क्या है, हम बताएंगे नेताओं के मुद्दे क्या हैं, नेताओं के वादे क्या हैं, और जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास क्या क्षेत्र को लेकर के, प्रदेश को लेकर के उनका विकास का नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है। तो कुछ इन्हीं मुद्दों के साथ में, कुछ इसी बातों के साथ में मैं मौजूद हूँ पलवल में। मेरे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर हरित बैसला जी। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरित बैसला जी, चुनाव शुरू हो गया है जी, पार्टी का टिकट लेने में तो आप सफल हो गए थे और बहुत जल्दी टिकट मिल गया था जी। जी, मैदान में क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी रही है, हालांकि धरातल पे मैंने बहुत संघर्ष किया है जी, और उस संघर्ष और आम जनता की दुआओं का ही ये फलस्वरूप मुझे ये फल मिला है कि इतनी जल्दी मुझे टिकट मिल गया, और मेरी किस्मत शायद मुझ पर मेहरबान है। और रही चुनाव की बात, तो संघर्षशील शुरू से रहा हूँ, और जब किस्मत इतनी अच्छी रही है तो शायद आगे भी किस्मत और मेहनत का एक संयुक्त रूप से एक ऐसा सहयोग रहेगा कि निश्चित रूप से पलवल में इस बार बदलाव होगा। मतलब टिकट मिलने में आपने मान लिया यहाँ किस्मत अच्छी है तो आगे भी सब भालो भालो हो। जी जी जी। दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं आप जी, जिला परिषद का आपने पहला चुनाव लड़ा था और अब दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं जी। जिला परिषद के वो लोकल मुद्दे होते हैं और विधानसभा के क्षेत्र के और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं जी। जी, हरित बैसला को मैं जो देखता रहा हूँ, एक शिक्षाविद के रूप में एक शिक्षा वाले मसले को लेकर के बात उठाना जी, एक हेल्थ को लेकर के बात उठाना, क्या सोच है पलवल को लेकर आगे? देखिए, आपने कहा कि जिला परिषद में एक क्षेत्र के मुद्दे होते हैं जी, मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र की तरक्की के लिए मुख्य रूप से 3 पिलर होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स जी। और वो जो छोटे लेवल पे होता है जिला परिषद में, वही अब बड़े लेवल पे आ गया, उसकी लड़ाई अब पलवल के स्तर पर हमको लड़नी है कि पलवल के अंदर कैसे अच्छी शिक्षा सुविधाएं दी जाएं, पलवल के अंदर कैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, पलवल के अंदर कैसे युवाओं को खेल के अच्छे आयाम ऐसे स्थापित किए जाएं जिससे कि वो देश का, प्रदेश का, अपने जिले का मेडल लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। तो उन्हीं मुद्दों की लड़ाई है। हरित जी, ये तो जो चुनाव के मुद्दे, इन पे बाद में आऊंगा मैं, कुछ पहले ऐसे सवालों पर आता हूँ जो पलवल की राजनीति में बहुत घूमते हैं जी। जी, राजनीति के अंदर जाति धर्म, आप कितना कोई कुछ भी कहता रहे,
कोई नेता कोई पॉलिटिशियन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कोई बात दे, पर चुनाव के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो जाति होती है, जाति धर्म गोत्र। मैं जो पाल की बात कर रहा हूँ जी, पलवल का एक प्रमुख एरिया है बैसलात। जी जी, बैसलात की राजधानी मानी जाती है बड़ौली जी, और बड़ौली गांव है आपका जी। बैसलात के लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दौड़ लगा रहे थे जी, बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे थे जी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, नहीं दिया। उसके बाद वो दौड़ लगा रहे थे कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद एक प्रत्याशी बनना चाह रहे थे इनेलो और बसपा का संयुक्त कैंडिडेट, उनकी भ्रूण हत्या हो गई। बिल्कुल, मैं इसको भ्रूण हत्या मानता हूं पॉलिटिक्स के अंदर, कि जिसको आदमी को बढ़ने ही ना दिया जाए। हरित बैसलात टिकट लेने में कामयाब हो गए जी। बैसलात क्या कह रही है? देखिए संजय जी, मैं आपको बताऊं कि बैसलात के अंदर जो आमजन है, जो न्यूट्रल व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, वो आज भी मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा है। रही बात कुछ सरपंचों की, पूर्व पार्षदों की, पूर्व चेयरमैनों की, नेताओं ठोंडाओं की, उनसे जब मैं बात करता हूँ, जब मैं मुद्दों पर बात करता हूँ, तो वो कहते हैं भाई आप काबिल हो, आप वास्तव में इस चीज के लायक हो। और हम भी, वो कहते हैं कि हम ओपन आपके साथ नहीं आ सकते, कि हम ठीक है, हमने पार्टियों के पटके पहन लिए ठीक है, लेकिन अंदर अंदर से हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। ये तो नहीं कहते छोरा तो सही है पर वोट ना दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टियों से वो समझते हैं कि हमारी सरपंची हमको, कांग्रेस सरकार आने वाली है इसलिए हम कांग्रेस सरकार में गए, क्योंकि हमें अपनी सरपंची आगे चलानी। मैं उन सभी से आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारे पैसे सरकार से आने, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो सरकार कोई बने, वो ग्रांट के माध्यम से आपके खाते में आएंगे। इसमें क्या विधायक कर लेगा और क्या सांसद आपका बिगाड़ लेगा? एक भय का माहौल पता नहीं क्यों बना रखा है, कौन किसको खा जाएगा। आज तक हमको तो किसी ने नहीं खाया। मैंने तो जितने भी बड़े बड़े नेता रहे, यदि कहीं मुद्दे की बात आई तो कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका विरोध किया मैंने। यदि सही बात है तो मैं दीपक मंगला जी को मैंने अप्रिशिएट किया, जी कहीं उन्होंने समाज की किसी बात को आगे बढ़ाया। तो कोई किसी को नहीं खाएगा और हम बैठे, समाज बैठा है। तो मैं कहूंगा कि आप डरने की, इस तरह की डर ना बैठाए अपने अंदर। हम जैसे क्रांतिकारी युवा साथ खड़े, और फिर बड़ौली और बैसलात, ये तो अपने आप में अपनी धाक और धाकड़ होने के लिए जाना जाता है। इसको किसी के बाप का डर नहीं है बिल्कुल भी। और मैं नेताओं से जो ये बन रहे हैं जिला पार्षद चेयरमैन, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ठीक है आपने इस तरह के पटके पहन लिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने के हाथ को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि समय के बाद, एक समय के बाद 20 दिन तक चुनाव हो जाने, ये आपके चेहरों को भूल जाएंगे, ये आपके फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और ये मैंने देखा भी, लोकसभा के चुनाव में जो मंत्रियों के साथ लगे थे, वो लोग मुझसे आके रोए भी हैं कि आप हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, हमसे कहा था तुझे वो ठेके दिलवाएंगे, तुझे वो काम कराएंगे, आज वो उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ेंगे, फोन तक नहीं उठाए जा रहे। तो आज काम आएगा आपका बच्चा, या आपके काम आएगा। हमें तो समाज की लड़ाई आगे तक लड़नी है, चाहे चुनाव के परिणाम कोई भी हो, कैसे भी हो। यही बैसलात पर और इससे जुड़े हुए दो सवाल आपसे करूंगा। पहला तो अभी आपने कहा था डर जी, डर है कहीं कोई क्या? देखिए मैं जहां तक सुनता हूं कि देखिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं चौपालों पर जहां बैठे होते हैं वहां सुनता हूं, वो कहते हैं अकबई हम पे झूठी मुकदमे FIR इस तरह का कुछ कराया गया, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे कर देगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमे करवा देगा। इस तरह की बातें मैं लगातार वहां सुनने को, मुझे देखने को मिलती है। हरित बैसला, आप कह रहे हो डर, मैं यही रोकूंगा आपको भी। जी, आप भी कह रहे हो डर है जी, भाजपा का कैंडिडेट भी कहता है डर है जी। 10 साल से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी जी, जी डर निकला क्यों नहीं लोगों का उनसे? फिर देखिए लोगों को डर नहीं है, आम व्यक्ति को डर नहीं है। आम व्यक्ति आज ही मजबूत बैठा है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, डर सिर्फ उनको है जो गिने चुने प्रत्याशी है, जो गिने चुने इस तरह की जिनकी मानसिकता है कि तुमको तो, जिनके पास अपना स्वाभिमान ही, जिनके पास अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपने मुद्दे नहीं है, उनके अंदर डर है। कि जो बैसाखियों के सहारे चलना जानते हैं उनके पास डर है। जिनको अपने मुद्दे पता है, जिनको अपना स्वाभिमान पता है, जिनको पता है कि मैं अपने समाज से जुड़कर मैं मजबूत, धरातल पर मजबूत हूँ, वो किस लिए डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। चलिए हरित बैसला, अभी तक आपकी जो बैसलात वाले गाँव है, कितने गाँव कवर कर चुके हो? देखिए जब टिकट नहीं मिली थी, जब तक टिकट के लिए तैयारियां चल रही थी, उससे पहले बैसलात के लगभग सभी गांवों में नुक्कड़ सभा कर चुका था। आप लोग उनसे कहते नहीं हो कि, अब टिकट मिलने के बाद का कह रहा हूं, आप उनसे कहते नहीं कि आप बीजेपी की टिकट मांग रहे हो 15 साल से, नहीं मिली। कांग्रेस की टिकट मांग रहे हो 15 साल से, नहीं मिली। इनेलो वालों ने एक बार टिकट दिया था, दो बार दिया था, उसके बाद नहीं दिया, पार्टी अलग हो गई उनकी, या आपने उनको इस लायक नहीं समझा, या उन्होंने आपको इस लायक नहीं समझा?
जो टिकट दी है वो संभाल रहे हैं नहीं संभाल रहे हैं उस टिकट को? वो उस टिकट को जो साधारण न्यूट्रल व्यक्ति हो बहुत अच्छे से संभाल रहा है, और समाज के अंदर नेता बनाना, और ये तो चलती है हवा कि चेयरमैन उसकी तरफ चला गया, सरपंच उसकी तरफ चला गया, ये तो है हवा जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। नेता बनाता है समाज का न्यूट्रल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, और वो आज भी मन में सोचे बैठा है कि जब टाइम आएगा मैं चुपचाप अपनी वोट कर दूंगा, और हमारे पास साइलेंट वोटर की बहुत मजबूत ताकत है, चुनाव में पता लग जाएगा। आपके समर्थक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, आपने अभी बात कही थी हवा की। जी जी, दुष्यंत चौटाला उसके नेता है जी, चौधरी देवीलाल उनके दादा परदादा थे जी। चौधरी, आपने कहा कि हवा से कुछ नहीं होता, चौधरी देवीलाल कहते थे इलेक्शन हवा से ही बनता है जी। देखिए, वो समय अलग था, जो चौधरी देवीलाल जी की जो टाइम की जो राजनीति थी वो राजनीति एक अलग राजनीति थी। उसमें मैं देखता था कि युवा पार्टिसिपेट नहीं करता था, परिवार का एक मुखिया, एक आप एक बड़ा परिवार होता था 100 आदमी का, उसका एक मुखिया फैसला कर देता था कि भाई वहां वोट डालनी है, इस तरह का समय उस दौर में था। इस दौर में आज आपका बेटा कहीं वोट डालेगा, आपकी बेटी कहीं डालेगी, लड़के की वाइफ कहीं डालेगी, तो आज सभी जागरूक हैं और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। वो अपने मत को अपने खुद के विवेक से इस्तेमाल करना जानते हैं। वो दौर गया कि एक कुनबे ने समर्थन दे दिया वहां वोट डाल दो, तो देवीलाल साहब की बात ठीक थी वो, कि वो दौर ऐसा था, लेकिन आज सभी जागरूक है, आज मतदाता युवा ज्यादा संख्या में है, और उसकी वजह से युवा को ही वो कामयाब बनाएगा, निश्चित रूप से परिणाम आने वाले बताएंगे। मतलब हवा बहा नहीं पाएगी किसी को ज्यादा? जी बिल्कुल नहीं। चलिए, बैसलात को लेकर के आखिरी सवाल आपसे, मैंने आपसे कहा था दो सवाल करूंगा, आखिरी सवाल है अभी। सुभाष चौधरी बैसलात के बड़े नेता थे जी, कल उनका देहावसान हो गया जी। सुभाष चौधरी ने 7 तारीख को एक पंचायत बुलाई थी गुजर समाज की जी, आप भी गए थे उसमें जी जी जी, आपको टिकट मिल चुका था जी जी। उसके बाद बात चली थी एक पंचायत और होगी जी बड़ौली के अंदर जी, वो पंचायत हुई नहीं, ठीक है जी। उसके बाद में अभी लास्ट वीक में जी सुभाष चौधरी को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया जी। हरित बैसला भी वहाँ पर थे जी जी, हरित बैसला के गांव की सरदारी भी वहाँ पर थी जी, समर्थन मांगने गए थे आप जी। मुझे लगता है कि सुभाष चौधरी के साथ जो अंतिम क्षण के लोग थे वो आप थे जी, हम थे। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, पहले तो मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, और वो मेरे पिता तुल्य का, वो मेरे पिताजी थे, मैं उनसे बहुत पहले से संपर्क में था, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, मेरे उनसे फ़ोन पे लगातार बातें होती थी, वो मुझे गाइड करते थे। और अभी गुजर जो पंचायत वहाँ हुई थी उसमें मैंने अपना मत भी रखा, चौ साहब ने मुझे फ़ोन किया, और कई लोग मुझे ऐसे मिसगाइड करने वाले थे कि भाई पंचायत में मत जाना तुझे बैठा देंगे, लेकिन मैं चौधरी साहब का सच्चा सिपाही था। मैंने आप देखे कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरा बैसला क्षेत्र हमारा कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ था, लेकिन चौधरी साहब, अब कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिन पे हम कृष्णपाल जी से विरोध था, पुल की बात हो, ये सब बात, तो हम चौधरी साहब ने जैसा आदेश किया चौधरी साहब के साथ हम खड़े हुए थे उस टाइम पर भी। और अभी गुर्जर महापंचायत में जो फैसला, उस पंचायत का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद शाम को जब कांग्रेस का टिकट चौधरी साहब को नहीं मिला, मेरी फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई, तो वो कह रहे थे भाई कि मैं मतलब लगातार सो ही रहा हूँ, मतलब मैंने सुबह उनको फ़ोन किया था तो वो फ़ोन नहीं उठा पाए थे। उन्होंने फिर फ़ोन पे कहा कि डॉक्टर साहब, शाम को फ़ोन आया उनका लेट 10 बजे के आसपास, उन्होंने कहा कि मैं दिन भर सो रहा था, थोड़ा परेशान भी था, तो कोई नहीं मुझे कोई, मैं भी अपना निर्णय लूँगा, और आप भी अपने समाज के लोगों को ठीक करो, उनको समझा दी, वो समझते हैं तो अच्छी बात है। और मैंने कहा ठीक है चौधरी साहब, मैंने समाज के लोगों को ये बातें रखी, हम समाज के लोगों को लेकर चौधरी साहब के पास आए, तो चौधरी साहब खूब हंसा रहे थे हमें वहाँ, वहाँ चौधरी साहब के भतीजे मयंक भाई भी बैठे हुए थे, खूब हंसी का माहौल था वहाँ, चौधरी साहब हमारे बड़े बुजुर्गों से मजाक भी कर रहे थे, अब तुम वहाँ वहाँ ऐसी करवा डोलते बच्चा तुम्हारा है, इसके साथ लगते कि उन्होंने उनको धमका भी रहे थे, तो बड़ी हंसी मजाक का सा माहौल था। लेकिन अचानक मयंक भाई साइड में बैठे हुए थे, मैं वहीं था, एकदम अचानक चौधरी साहब कह रहे थे यार कुछ यहाँ गर्दन में दर्द सा है, मेरे सामने की बात है, तो मैंने मतलब वो मयंक भाई ने उनकी गर्दन को ऐसे वहाँ किया, उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा दर्द है, फिर वो उठ के ऊपर चले गए, फिर एकदम ऊपर से पता लगा कि उनको उल्टियाँ लगी हैं, फिर साथ के साथ उसने एपेक्स हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ भी हमारे गांव की सरदारी हॉस्पिटल पहुँची, फिर वहाँ से उनको दिल्ली रेफर कर दिया। तो ये बहुत मैंने अपनी आंखों से अपने एक पिता तुल्य व्यक्ति को जाते हुए देखा है, बहुत मेरे लिए दर्द का बहुत बड़ा विषय है, मैं तो भूल गया कि राजनीति क्या चीज़ होती है, दो दिन तो मैं इतना परेशान रहा मानसिक रूप से। तो ये उस वक्त हुआ कि हंसते हंसते वो मजाक चल रहे थे वहाँ, खूब हंसा रहे थे, पता नहीं अचानक पहले से शायद परेशान थे या कैसे थे क्या, बस इस तरह का ही। तो एपेक्स में आप उनके साथ गए
जी बाहर ही रहे, हॉस्पिटल अंदर नहीं पहुंच पाए, अंदर नहीं पहुंचे, बाहर ही थे हम। जी 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 जी। और वहां से उनको रेफर कर दिया था दिल्ली के लिए। चलिए वापस राजनीतिक मुद्दों पर आ जाते हैं। जी, हालांकि वो पूरे क्षेत्र के लिए एक ना भूलने वाला एक लम्हा है। बिल्कुल। चलिए, हरित वैसला जी, अब चुनाव चल रहा है जी, पलवल से आप कैंडिडेट हो जी, पार्टी की और हरित वैसला की क्या पॉलिसीज हैं हरियाणा को लेकर के, पलवल को लेकर के? पलवल की बात तो आप करोगे, पार्टी की बात पार्टी वाले लोग, मैं पलवल का ही पूछ लूँ। बिल्कुल। क्या सोच है पलवल को लेकर के, क्या आप किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हो कि भाई मुझे ये करना चाहिए जी, अगर मौका मिल गया तो भी और नहीं मिला तो भी? बिल्कुल। हाँ। देखिए, मैं राजनीतिक रूप से बात करूं सबसे पहले तो, कि पहले जितने भी हमारे गुर्जर प्रत्याशी थे उनसे मैंने संपर्क किया, उनको कहा कि आप सभी एक मंच पर आइए, आप सभी एकजुट होइए। ये देखो, छत्तीस बरादरी से कोई भी व्यक्ति छत्तीस बरादरी से नेता बनता है, लेकिन आपने कहा कि देर सवेर राजनीति में जातिवाद आ ही जाता है। बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये कहावत है, बाहर उसको खाने को पूरी मिलती है जो घर से पेट भर के जाता है, घर से जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हमारा जो, जैसे कि चंद्रशेखर भाई हमारे, वो लगातार कोई भी बात हो, जब आप पलवल के मुद्दों की बात मैं कर रहा था अभी, तो हमारा दलित समाज जो है वो भी इस इंतजार में बैठा है कि इसका समाज इसके साथ मजबूती से लगे तो हम भी इतिहास रचे। वो इस वेट में कि कब इनका समाज लग के इसको ताकतवर करे, और उस ताकत में जो आपने कहा कि जब घर से जिक्के चलेगा तो फिर हम भी इसको खिलाएंगे, तो वो बात मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैंने हमारे संजय गुर्जर भाई हैं उनसे भी मुलाकात करी, हमारे सतवीर पटेल जी हैं उनके परिवार से, मांगे मास्टर जी हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया, वो पंचायत में थे भी, जो बैसलात की पंचायत हुई तो उसमें मांगेराम मास्टर जी थे, उन्होंने समर्थन भी दिया उस पंचायत के अंदर और कहा कि सभी ठीक रहेगा। संजय भाई ने भी कहा कि भाई पार्टी की बात है, हम अंदर अंदर सहयोग करेंगे। तो इस तरह से मैं सभी को मना रहा हूँ लगातार। हालांकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद मैंने पवन भाई से संपर्क नहीं किया, मैंने फोन पर उनसे बातें करी कि भाई आपसे मिलना है मुझे, लेकिन ये दुर्घटना होगी इसमें राजनीतिक बात करना मैं सही नहीं समझता, तो उसके बाद मैंने कोई संपर्क उनसे नहीं किया। रही विकास के मुद्दों की बात, संजय जी मैं यूनिवर्सिटी में रहता था रोहतक, आपके पहले हमारी उससे मीटिंग हुई थी, उसमें तो आपने वो कैंप वो रखा था में, उसमें मैंने रखा था, मैं एक रोड पर पांच पांच यूनिवर्सिटी देखता था संजय जी जी, और उस यूनिवर्सिटियों में आप देखिए कितना बड़ा रोजगार पैदा हो जाता है जब एक यूनिवर्सिटी आती है। अब हमारी कोई बहन यदि पढ़ना चाहे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जो गर्ल्स है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, तो इतनी काबिल बेटियां थी, लेकिन पारिवारिक माहौल की वजह से और जिले के अंदर ऐसी एजुकेशन और सुविधा ना होने की वजह से वो सिर्फ बीए करके अपने घर बैठ गई। उनकी पीड़ा और दर्द मेरे मन में है। जहां तक हॉस्पिटल की बात मैं करूं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, तो हमारा पलवल का सिविल हॉस्पिटल है, आप देखते रहेंगे सोशल मीडिया में लगा रहता हूं कि टीवी के एजुकेशन पहले अभी आप कह रहे थे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की बात, भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने पलवल को यूनिवर्सिटी दी, किसी ने नहीं दी जी, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। इनसे पूछो, मैं भाजपा के लोगों से आज फिर पूछना चाहता हूं कि वो पलवल की यूनिवर्सिटी किस तरह से, वो दोधौला में यूनिवर्सिटी है और पृथला विधानसभा में दूसरा, उस यूनिवर्सिटी को तुमने खोल दिया, लेकिन वहां के गरीब बच्चे को तुम 1,00,000 रुपए की फीस बीटेक की वसूल रहे हो, तुम 50-60,000 रुपए छोटे छोटे डिप्लोमा की फीस ले रहे हो, किस बात की सरकारी यूनिवर्सिटी है ये? गरीब आपने पंचायत में, पहले भी कहा था, पंचायत ने अपनी जमीन दे दी सस्ते रेटों पर, आपने जमीन ले ली, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, और गरीब बच्चे से आप पैसा लूट रहे हो दुनिया भर का, क्या जरूरत है सरकारी यूनिवर्सिटी की? मैं तो कहता हूँ बंद कर देने चाहिए इस तरह की यूनिवर्सिटी, या फिर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, अभी तो चुनावी प्रक्रिया में हम व्यस्त हैं, हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये फीस बिल्कुल कोई भी फीस 5,500 और 10,000 से ज्यादा नहीं करी जाए किसी भी कोर्स की, ये हमें बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। स्टूडेंट यूनियन के संपर्क में मैं हूँ, मैं वहां पढ़ा के आया, वहां मैंने स्टूडेंटों को जगाया भी और वो लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं इन चीजों का, तो हम वहां के स्टूडेंट यूनियन से टाई अप करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और फीस को कम करवाएंगे। रही ये बात सिविल यूनिवर्सिटी की, दूसरा यदि कोई बच्चा एमए एमफिल पीएचडी करना चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो सिविल यूनिवर्सिटी से थोड़ी करेगा वो, उसके लिए तो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी चाहिए हमको जी। तो आपने मैं भिवानी हिसार हर जिले की मैंने बात करी, हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी है, पलवल के अंदर क्यों नहीं खोली एजुकेशनल यूनिवर्सिटी उन्होंने आज तक? आज 2008 से आज जिला बना पलवल, इसको 16 साल हो गए, एक गवर्नमेंट कॉलेज है अम्बेडकर कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर आज भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, उसके अंदर गिने चुनी परमानेंट फैकल्टी है, बाकी सभी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई गेस्ट फैकल्टी लगा रखी है, और उन्होंने वहाँ 6-6 गवर्नमेंट कॉलेजों में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। हर साल इनके प्रिंसिपल की लिस्ट आती है, लेकिन कहाँ जा रहे प्रिंसिपल? कोई हिसार जा रहा है, कोई भिवानी जा रहा है, कोई झज्जर जा रहा है, कोई जींद जा रहा है, पलवल के अंदर एक भी प्रिंसिपल नहीं आया। क्या लीडरशिप कमजोर थी या सरकार? मैं कहता हूँ लीडरशिप बिल्कुल कमजोर थी,
विधायक दीपक मंगला जी बहुत शरीफ इंसान है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे इंसान है, और हमेशा मैं एक राजनीति से अलग हटकर उनकी बात करना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। मैंने जब भी उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने पूरा टाइम हमें दिया और अपने फ़ोन से आगे भी बातें रखी, लेकिन यदि किसी विधायक की आगे सुनवाई ना हो तो वो सरकार की खामी है या विधायक की खामी, ये फैसला पार्टी करे, लेकिन उनकी बात आगे नहीं मनी कहीं भी। बड़ौली का कॉलेज है, एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, बैनौली का कॉलेज है, एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, होटल का कॉलेज है, कितने प्रोफेसर चेक करा लो, मतलब 6 गवर्नमेंट कॉलेजों में किसी में पूरा स्टाफ नहीं है। जब बहनें बेटी लड़कियां अपने लड़के अपनी फीस दे देते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये एक साल की, तुम्हें तो सरकार की ड्यूटी बनती है स्टाफ दे, मतलब बिल्डिंगें बना दी, इमारतें बना दी दिखाने के लिए, नाम के कॉलेज खोल दिए और उनमें स्टाफ है नहीं, इससे बढ़िया तो अनपढ़ी थे वो तभी ठीक। हरित जी, PhD की है आपने जी, कौन से स्ट्रीम से की हुई है? मैंने इंग्लिश लिटरेचर से PhD किया है जी, और बुक्स भी लिखी है। लगता है जैसे पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ ये तो देखिए समाज है, और मैं जब यूनिवर्सिटी में रहता था तो वहाँ भी स्टूडेंट यूनियन बहुत एक्टिव था, मतलब जो समाज की पाठशाला है वो उस पाठशाला से बढ़िया बड़ी PhD करवा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये PhD तो सबसे बड़ी PhD है जी, क्योंकि इसमें आपको उस व्यक्ति से भी डील करना होता है, जो आप रिसर्च करते हो तो वहाँ आपके प्रोफेसर्स रहते हैं, आपके फेलो स्कॉलर्स रहते हैं, आपके हेड रहते हैं, डीन्स रहते हैं, VC रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि इतना एजुकेटेड होने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद सच पीपल्स, जो एजुकेटेड नहीं है उनसे भी हमें एडजस्ट करना है, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज और चुनौती हमारे सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका भी आपको ख्याल रखना है। कोई 6ठी पास बच्चा ये कह देता है अरे मूर्ख बना रहा है कुछ भी नहीं इसके पास, मैं कहता हूँ वो मेरे बराबर किताब पढ़ ले, मेरे बराबर किताब लिख ले, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ। चलो, गौरव गौतम कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, आप भी यूथ हैं जी, वो भी यूथ हैं बिल्कुल, करण सिंह दलाल हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जी, वो भी खुद को यूथ कहते हैं, बिल्कुल यूथ ही हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप उम्र में 35 साल हो जी और राजनीति के 35 साल हैं उनके, तो इसलिए यूथ है वो भी। किसका क्या समझ रहे हो चुनाव के अंदर, क्या कॉन्टेस्ट है, क्या मुकाबला है? आपने गौरव गौतम की बात करी, ठीक है भाजपा ने उनको प्रत्याशी बना दिया, मैं पूछना चाहता हूँ आज पूरी पलवल की जनता से कि गौरव गौतम ने आज तक पलवल के किसी भी मुद्दे के लिए कोई आवाज उठाई है? मान लिया कि वो सरकार में थे, मान लिया वो पार्टी में थे, लेकिन उस समय पे जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो माए बहने बरामदों में बिना ऑपरेशन के बिलखती और रो रही थी, क्या उनको पता नहीं था? सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पता लगता था कि सिविल हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? क्या न्यूज के माध्यम से उनको नहीं पता था कि एक TB के मरीज के व्यक्ति को दवा नहीं मिल रही, वो रो रहा है लाइन में लग के? क्या उनको नहीं पता था पलवल के 6 कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पे जुड़ रहे, सारे न्यूज वाले चला रहे, उनको हर बात का नहीं पता था? हम तो तब मानते जब उस समय सरकार जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो उस समय पर वो कहते कि पलवल के अंदर स्टाफ आना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर आने चाहिए, पूरी मेडिसिन मिलनी चाहिए, CHC PHC में पूरे स्टाफ होने चाहिए, कहीं भी एक भी फेसबुक की पोस्ट मुझे दिखा दो या कहीं भी उनका एक या DC से मिले हो या कहीं मंत्री से मिले हो, पलवल के उन्होंने कोई डिमांड रखी हो, यदि ऐसा कहीं मुझे आप दिखा दोगे तो मैं चुनाव की कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं मीडिया के सामने। जो व्यक्ति जनता के मुद्दों की आवाज नहीं उठा रहा, मैं समझता हूं पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया, अब हमारी लड़ाई पार्टी से व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि वो धरातल पर इतने मजबूत नहीं है, उन्होंने धरातल की राजनीति अभी नहीं करी, संगठन की राजनीति करी जहां भी वो रहे हैं। तो जब धरातल की बात करूं तो आम जनमानस को, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी खेल की सुविधाएं चाहिए, ना कि ये कि मैं किसी भी आम युवा को कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहता किसी पार्टी का। आज मैं युवाओं को देखता हूं कि गाड़ी दे दी, एक बड़ी गाड़ी दे दी, उसको खर्चा पानी दे दिया, दारू के पैसे दे दिए, ठीक है मजे कर भाई इकट्ठे हो जान, ये जब युवा कार्यकर्ता मेरे दिल पर बहुत पीड़ा, लोकतंत्र का मजाक नहीं है ये, बहुत बड़ा मजाक है। मैं वो बेरोजगार युवा को ये 20 दिन के लिए ऐसे किराए पर ले लेते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, पता नहीं उन युवाओं को क्या हो जाता है, क्या वो सोचते हैं, 20 दिन के बाद चुनाव खत्म, फिर वो युवा अपनी जगह पे बैठ जाएगा। आज उस युवा के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उस युवा के लिए अच्छी खेल सुविधाएं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए रोजगार की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी माओ बहनों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मत बनिए पार्टी कार्यकर्ता, मत ये पटके पहनकर अपनी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, आप उसके साथ खड़े हुए जो आपकी भाव और भावनाओं को समझता हो, जो आपकी खेल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और आपके साथ हुई नाइंसाफी की आपकी आवाज उठाता हो, मैं उनसे अपील करूंगा। हरित वैष्णव भी आप कह रहे थे कि विधायक दीपक मंगला जो बहुत शरीफ आदमी थे जी, चेहरा बदल दिया जी और दबंग नेता दे दिया जी, कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? दबंग नेता किसको आप कह रहे हैं?
गौरव गौतम के लिए कह रहा हूँ। मैं तो नहीं समझता कि दबंग नेता, मैं कह रहा हूँ वो साफ साफ कि दबंग ही उन्होंने कहाँ दिखाई आज तक। वो दबंग ही दिखाते सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ से जाके बात करते कि गरीब आदमी को दवा दिला भाई, कह रहे यमुना पार भेज दूंगा, और दबंग ही क्या चाहिए बताओ। देखिए करंदलाल को यमुना पार भेजना, हरित बैसला को ये कर देना, या अभी आम आदमी पार्टी को ये कर देना, दिस शुड नॉट बी द विजन ऑफ एनी पॉलिटिकल पर्सन। उनका विजन, उनका मैनिफेस्टो क्लियर होना चाहिए कि वो आम व्यक्ति आधारित बातें करे, ना कि उम्मीदवार आधारित। क्या फायदा, आप करंदलाल जी बुजुर्ग नेता है, ठीक है वो ठीक है, उनकी नीतियों में कमी है तो नीतियों पर बात करो ना आप। किसी को पर्सनल अटैक करना आई थिंक ये नहीं। अब गौरव गौतम जी की मैंने बात करी, मैंने समाज से जोड़ा उनको कि समाज के मुद्दे नहीं उठाए, ये नहीं कहा कि गौरव गौतम जी निजी रूप से कैसे, ये इसमें मैंने बात नहीं करी। करंदलाल जी निजी रूप से कैसे, इसमें मैंने बात नहीं करी। तो पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल दे आर अपार्ट, और हमें इसको अपार्ट रखे, दोनों डिफरेंट है। हमें आम जनमानस जो आखिरी पंक्ति का पीड़ित व्यक्ति है, जो बाढ़ देख रहा है कि इसकी सरकार आएगी तो मेरे लिए ये कुछ करेगा, उसकी आएगी तो मेरे लिए ये कुछ करेगा, मुझे उसके आखिरी पंक्ति के उसकी आशा और उसकी आकांक्षाओं पे खरा उतरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिणाम जो हो रहेंगे, लेकिन मैं जीवन तन मन समर्पित उस समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को लड़ाई के साथ दिलाता रहूंगा। कैसा चुनाव लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला होगा? देखिए मैं गौरव गौतम से या करंदलाल से, मैं बोलता हूँ चुनाव पार्टी की, आप कह रहे थे ना व्यक्ति की बात नहीं, जी जी, बीजेपी से या कांग्रेस से? देखिए बीजेपी तो चुनाव हारी गई। अच्छा, बीजेपी तो चुनाव में है ही नहीं कहीं भी, डिक्लेयर कर दिया मैंने आजाद, इस बात को आप नोट कर लो। और बीजेपी चुनाव हार गई है, और कहीं और भी मतलब, अब मैं तो पलवल का प्रत्याशी हूँ, जब आप मुझसे बीइंग इंटेलेक्चुअल पूछोगे तो पूरे हरियाणा की बता दूंगा आपको। तो मैं पलवल की बात करूँ, कहीं कंपटीशन में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी सारे सवाल करे कि सुविधाएं हमें जब पूरी नहीं मिल पाई, और जो उनका कैंडिडेट है धरातल पर, वो बॉटम पर इतना टच नहीं है। मैं आपको गहराई की बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता है, जिनकी टिकट कटी है, अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति, अंदर खाने कोई भी इनके साथ कहीं से भी नहीं है। ये सब जो साथ घूम रहे हैं, ये सब पार्टी के हाईकमान को दिखावे के लिए, बाहर वाले खाने में साथ है, बस अंदर वाले खाने चित्त है, अंदर बिल्कुल चित्त है। मैं, मुझसे तो मिलते हैं पर्सनली, क्योंकि बड़े नेता से तो कोई बात नहीं करता, मैं तो युवा हूँ, कोई मेरे पास आके बैठ जाता है वो फिर बताते हैं भाई मजबूरी है, बस वैसे ही। मैं कह रहा हूँ दरा इनको पता नहीं लगता हवा में कि इलेक्शन कहाँ चल रहा है। और आप देखना कि चंद्रशेखर भाई की एक रैली होने के बाद और हमारे समाज को एकजुटता होने के बाद इन सब की छुट्टी हो जाने वाली है। आप लड़ाई देखना, इलेक्शन बदलेगा आने वाले दस दिन में इलेक्शन बदलेगा, और आप भी हैं, हम भी हैं, आप देखना इलेक्शन के क्या हाल रहे होंगे। दो नेता आपकी पार्टियों के, जी आप खुद युवा हैं, जी आपकी जो पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर जी वो युवा हैं, जी और जो आपकी जो जो प्रेम सगाई वैवाहिक गठबंधन जो आपकी पार्टी का हुआ है जी, उसके वो बनना है या बननी है वो युवा है, वो युवा, यानी कि तीनों युवा हैं जी। तो ये क्या करेंगी युवाओं की जोड़ी, कुछ हरियाणा उम्मीद करेगा? क्योंकि वो जो पहले जो आपके युवा हैं, जो दूसरे साथी आपके साथ हैं जी, उनसे तो हरियाणा की जनता बहुत नाराज है। नाराज, देखिए हम जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और पार्टी हाईकमान ने गठबंधन किया, ठीक है, स्वीकार्य है, पार्टी हाईकमान का डिसीजन है, लेकिन जब मैं शिक्षा कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं जज्बा जी संपर्क में है, और वो मैं उनसे बात भी मैंने करी है, वो कह रहे हैं हम भी अपने स्तर पर प्रोग्राम कराएंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जहां तक भी सहयोग होगा वो करेंगे। लेकिन आज समाज के अंदर यदि शिक्षा स्वास्थ्य और खेल की बात होगी तो वो हर व्यक्ति को भाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी लगेगी, चाहे वो किसी पार्टी दल का है। मैं आपको बताऊं कि करंदलाल जी के बहुत बड़े समर्थक, एक भाई, मैं उनका नाम लेना चाहता, उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट को शेयर किया, उन्होंने लिखा कि भाई ठीक है हम करंदलाल जी के पूरे समर्थक हैं, वोट भी देंगे, लेकिन आपने दिल जीता है और हमने जानबूझकर अब आपकी पोस्ट को शेयर किया और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनसे कहानी दे अब जितवा दिया, चुनाव आगे जितवा देना, ऐसा कुछ कहा आपने क्या? मैंने कमेंट में उनको किया मैसेंजर पे, उन्होंने कहा भाई चिंता मत करो आपके वोट देंगे, आपके वोट मैसेंजर पे कह रहे थे। तो इतना प्यार के ये तो लगता है कि हम दिल जीतने में कामयाब रहे, बेशक हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कैसी भी है, लेकिन एक सच्ची आवाज, एक बहुत विवेकशील आवाज, एक क्रांतिकारी आवाज दिल को भा रही है, और निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे, परिणाम जो हो रहेंगे, लेकिन हम दिलों में जिंदा हमेशा रहेंगे। चलिए 8 तारीख को बताएगा दिल जीतोगे या चुनाव जीतोगे। जी जी, तो आपको हमारी तरफ से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव को लेकर के, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं जी, बहुत बहुत जीत हो या हार हो जी, एक पंक्तियां हैं चार जी, कि ना जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में, अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे जी जी। तो जीत या हार हो, कुछ भी आपने कहा कि दिल तो जीत रहे हो, आप खुद ही बता रहे हो कि लोग कह रहे हैं बिल्कुल, और 8 तारीख बताएगी क्या होता है।
बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि आपको हमारी शुभकामनाएं हैं जी, और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि ये कारवा जो आपका है जी, ये हार या जीत पर रुकेगा नहीं, आगे चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि एक आम से पार्टी कार्यकर्ता को पहले टिकट मिला, और आप अपने न्यूज के चैनल पे मैं समझता हूँ कि आपकी भी चीजें होती हैं, आपके भी आप, मैं भी बात कर रहा था खैर कैमरा के सामने क्या बात करूं, लेकिन आपने कभी भी एक साधारण व्यक्ति को इतना, आपका बहुत प्रेम मेरे ऊपर हमेशा से रहा है, और आपने मीडिया पर मुझे जगह दी है कि मैं देखता हूं कई बार जो चैनल्स होते हैं, कई बार जो बड़े अखबार होते हैं, मेरी खबरें जाती हैं, उनको किसी तरह से दबा दिया जाता है, इस तरह की मैं चीज़ें सामना करता हूँ, लेकिन सीरियसली बाय हार्ट मुझे बहुत फील होता है कि आपने मतलब हमेशा मुझे इतना बढ़ावा देते हो। ये पता नहीं कि आपका, या आपका प्रेम है, या आप समाज के अंदर अच्छी राजनीति और स्वच्छ राजनीति को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ाना चाहते हो, या कुछ भी हो, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने आदेश किया है कि कारवा रुकेगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ आज मीडिया के सामने कि भविष्य में कुछ भी होता रहे, मैं आपको सड़कों पर लड़ता पाऊंगा। यदि संसद में पहुंच गया, विधानसभा पहुंच गया, तो वहां लड़ूंगा, नहीं तो सड़कों पर आपको मैं लड़ता जरूर मिलूंगा, ये वादा मेरा। चलिए, तो ये हरित बैसला जो कह रहे हैं कि ये कारवा रुकेगा नहीं, और कारवा हमारा भी नहीं रुकेगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तक 3 अक्टूबर तक, जब तक चुनाव का प्रचार प्रत्याशी करेंगे, उनका प्रचार हम करेंगे, खबर लेंगे उनकी क्या कर रहे हैं, जुड़े रहेंगे आपके साथ, और लगातार नई हस्तियों से, नई शख्सियत से जो खासकर चुनाव में नुमाइंदे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।